तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अर्पण। सो मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आईआईटी जाऊँ और गेट सर्टिफिकेट के लिए कोचिंग कराता हूँ। तो अर्पण अभी आईआईटी तिरुपति से एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करने के लिए आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स के थ्रू भी जा सकते हैं और आईआईटी एग्जाम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अर्पण आपका क्या है, स्टैट्स के थ्रू हुआ था, मैथ्स के थ्रू, एग्जाम स्टैट्स? नहीं, हमारे जूनियर के बैच तक तो जैम मैथ्स के थ्रू ही हुआ था। इस बार ओके पहली बार इंटेक भी इंक्रीज हुआ है, 21 इंटेक हो गया है, और इस बार पहली बार 5 स्टूडेंट ले रहे हैं जैम एमएस से। क्योंकि ये जो 4 बैच था ना, इस 4 बैच में बहुत सारे स्टूडेंट का स्टैट में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। मतलब बैच का मोर देन 60 से 70% स्टूडेंट स्टैट का हाँ ही कोर्स चूज करते हैं। तो प्रोफेसर ने देखा कि इंटरेस्ट बच्चों का है, तो इस बार जैम एमएस से भी स्टूडेंट लिया है। अच्छा ओके। तो ये फर्स्ट टाइम आई थिंक है जब आईआईटी तिरुपति जाम स्टैट से ले रहा है। हाँ, ओके पर हाँ, कोर्स तो कोर्स सेम ही है, पर बात है कि पहले मैथ्स ही लेते थे। यस यस, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स के थ्रू ही पहले आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एडमिशन था, लेकिन इस बार से आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स में आईआईटी एग्जाम स्टैट्स के थ्रू भी एडमिशन होगा। तो हाँ उसी के रिव्यू के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो मेरे पिछले साल एग्जाम में थे तो उनका क्वेरीज था, तो मैंने अर्पण को इनवाइट किया कि एक बार हमारे साथ डिस्कस करेंगे कोर्स कैसा है, कोर्स का रिव्यू कैसा है, बच्चा ज्वाइन करके क्या फंस जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चा जो स्टैट बैकग्राउंड का है क्या उसको मैथ्स में दिक्कत आएगी या कैसे मैनेज करेगा, वो स्टैट का है तो मैथ्स में दिक्कत होगी, तो इस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पण, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं, आप कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। सर, मैं तो कोलकाता से हूँ। मैं इधर जैम मैथमेटिक्स देखे, फिर इधर एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स करने आया। ओके तो आप जैम मैथमेटिक्स के, रोहन कह रहा ऑडिबल नहीं हूँ, रोहन एक बाकी लोग कंफर्म कर दो ऑडिबल हूँ क्या, अनिकेत ये लोग, ओके फाइन फाइन हाँ ठीक है ठीक है, तो म्यूट कर लो, दोबारा ज्वाइन करो रोहन अगर ऑडिबल नहीं है तो, ये चीज़ है ठीक है। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो पहले बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करते हुए? सर, कोर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। देख के लगा था कि यूनिक कोर्स है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है जो मैथ्स और स्टेट दोनों में एमएससी डिग्री दे। तो ये कोर्स देख के बहुत, मतलब हमारे बैच में और हमारे सीनियर के बैच में एक कोर्स स्ट्रक्चर देख के ज्यादा बच्चे इधर आए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा साइंस रिलेटेड कोर्स है। तो यही बात है। और फिर आके पर नया आईआईटी है, नया आईआईटी का कुछ कुछ ड्रॉबैक भी होता है कि पूरा नया आईआईटी जैसा सब कुछ रेडी नहीं होता, आजू बाजू कंस्ट्रक्शन चलता है। तो हम लोग बस थर्ड बैच है, तो हमारे पहले 2 बैच पास आउट हुआ। तो हम लोग जब ज्वाइन किए तब आईआईटी बहुत ही नया था। अभी तो मतलब फेज 1 खत्म हो गया, अभी फेज 1 पूरा कंप्लीट हो गया, बस फिनिशिंग 10% या 5% के बचा है। तो यही बात है, बाकी सब चीजें ऐसे ही है। ओके अब फैकल्टी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, मतलब जितना होना चाहिए था इन कॉम्पिटिशन का कोर्स उतना नहीं है। तो कुछ कोर्सेज गेस्ट फैकल्टी आके भी लेते हैं, आईएसआई से आके कोर्सेज लेते हैं, और उनको हाँ मतलब जो जैसे पढ़ाया जाता है, जो आईएसआई में जो जैसे जो मटेरियल रहता है, हम लोगों को भी सेम मटेरियल सेम क्वेश्चन पेपर वैसे ही सेट होता है। अच्छा, वो सुधीश कुमार सर वहाँ पे मैं देख रहा था गेस्ट हाँ हाँ फैकल्टी हाँ हैं, हाँ वो उनका वो रिसर्च हम एरिया मेरा लोगों को नॉन रिसर्च एरिया पैरामेडिकल, कॉमन है। अच्छा हाँ, उनको मतलब ऐसे ही में मेरे भी कुछ कुछ दोस्त है, तो उनको जो पढ़ाया गया हम लोग भी सेम पढ़ाया गया, क्वेश्चन भी सेम ही होता है। मतलब जो फैकल्टी उधर से जो फैकल्टी इधर कोर्स लेते हैं हाँ, तो मतलब सेम ही वो नॉन होता है। पैरामेट्रिक पढ़ाए थे सुदेश कुमार सर? हाँ, नॉन पैरामेट्रिक पढ़ाए थे हमारे सीनियर्स को, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स पढ़ाए थे, ऐसे वो पढ़ाते रहते कुछ कुछ कोर्स। फिर जी एस आर मूर्ति सर है ऐसे से, वो भी स्टोकेस्टिक का टाइम सीरीज पढ़ाते हैं। हमें वो भी दिखा था फिर मद्रास, मद्रास में जो है नाम भूल गया मैं, मद्रास आईट हाँ मद्रास। ईगम्बरम सर, वो डिप्टी डायरेक्टर थे आईएसएस का। तो वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद फिर भी उनका टीचिंग का बहुत शौक है, तो उनको वो हम लोगों को स्टैटिस्टिकल फाइनेंस पढ़ाए थे। और मुखोपाध्याय ने एक और है जो बॉम्बे से पीएचडी करके आए हैं, ये हो नीलेश सर, नीलेश, हाँ नीलेश हाँ नीलेश, नीलेश उपाध्याय सर हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली पहले के बैचेस को पढ़ाए थे, हमारे बैच को तो कुछ नहीं पढ़ाया, पर हमारे जूनियर्स को उन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाया था इस बार।
ओके क्योंकि इन लोग मैं प्रोफाइल देख रहा था, सुगेश कुमार सर को जानता हूँ क्योंकि मेरा एरिया कॉमन है, मुदेश सर को जानता हूँ क्योंकि वो वेला सामी सर के अंडर पीएचडी करके आए बॉम्बे से, तो मैं भी उनके अंडर पीएचडी करने वाला था और मैं मद्रास में मिला भी था उनसे, फिर मैं देखा कई सारे लोग कॉमन को मैं पहले से जानता हूँ। ओके तो एक तो कोर्स का रिव्यू में ये है कि माइक का अनम्यूट है और गीता ठीक है बाकी लोग कमेंट हो गया। हाँ अर्पण तो ये बताओ कोर्स का क्या है, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा हमारे स्टूडेंट आई, तो मैं बता दूं लोगों को कि अब इस बार एक्चुअली 5 सीटें आईटी एग्जाम स्टैट्स के थ्रू है, 15 सीटें आईटी एग्जाम मैथ के थ्रू है, जो और ये एक्चुअली एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी स्टैटिस्टिक्स दोनों कोर्स को कंबाइन किया गया एक्चुअली इस कोर्स में, है ना, जो यहाँ में है। ओके तो कोर्स कैसा रहता है बताओ, जैसे पहले सेमेस्टर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो मैथ बैकग्राउंड जो बच्चा आ रहा है उसको किस तरह की दिक्कत आती है? बेसिकली ये कोर्स जो डिजाइन किया गया था ये तो मैथ्स के बच्चों के लिए किया गया था, और जैसे होता है ना मैथ्स एंड कंप्यूटिंग दूसरा आईआईटीज में, तो कंप्यूटिंग हटा के इधर बस स्टैट के कोर्सेस है, तो बेसिकली कोर्स डिजाइन था एमएससी मैथ्स के बच्चों के लिए, तो जो स्टैट्स के बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, लाइक एमएससी मैथमेटिक्स के जो कोर्सेस होते हैं ना आईआईटीज में, स्टैट के बच्चों को तो उतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना पड़ता, पर इधर पढ़ना पड़ेगा, इधर तुम लोगों को एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मैथ्स के और स्टैट के जितने भी कोर्सेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर में तुम चूज कर सकते हो आइदर स्टैट के इलेक्टिव से फिर मैथ्स के इलेक्टिव या फिर बोथ कंबाइन करके भी ले सकते हो, सेकंड ईयर में तुम्हें वो फ्रीडम है, बट फर्स्ट ईयर में दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टैट स्पेशली स्टैट के बच्चों को, क्योंकि उनका तो ये सब चीजें उतना नहीं पढ़ना पड़ता ना बीएससी में, उनको इधर आके कॉम्प्लेक्स ओडी वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा मैथ्स के बच्चों की तरह, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो मतलब जो बच्चा मान लो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का बच्चा एडमिशन ले रहा है, जो बच्चा जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जिसने बीएससी स्टैट्स में करा है वो एडमिशन लेगा आईआईटी तिरुपति में जैम स्टैट्स के थ्रू, तो उनको पढ़ना पड़ेगा अल्जेब्रा के कोर्सेस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, ये सब क्योंकि वो कोर कोर्स में है वो सबको पढ़ना पड़ेगा। हाँ लेकिन दूसरा साइड ये जो बच्चा जैम मैथ दे के आ रहा है उसको भी फिर स्टैट्स के कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन्फेरेंस हो गया, नॉन पैरामेट्रिक सब जो कोर कोर्सेस हैं वहाँ पे। नॉन पैरामेट्रिक एक्चुअली इसमें है इलेक्टिव में, पर रिग्रेशन एनालिसिस स्टोकेस्टिक ये सब कोर में है, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन आई थिंक कोर में टाइम सीरीज। तो ये सब सीखना पड़ेगा, फिर इलेक्टिव में तुम्हारी मर्जी मैथ्स का कोर्स चूज कर लो या स्टैट्स का कोर्स चूज कर लो, है ना, या फिर मिक्स करके भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाले। तो ये बताओ वहाँ प्रोजेक्ट का भी सिस्टम कुछ होता है क्या कि एमएससी में प्रोजेक्ट करना है? लेकिन ये कम है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दिल्ली में प्रोजेक्ट किया था तो उसका ग्रेड ज्यादा होता है इवन प्रोजेक्ट का, सभी आईआईटीज में ही ऐसा होता है। हमने एक्चुअली कॉम्प्लेन किया था हमारे एचओडी से कि सर कुछ चेंजेस लाने के लिए बोले थे हम पूरे कार्डिकुलम में, पर बात है कि आईआईटीज में एक रूल होता है कि 5 साल तक कोई कार्डिकुलम चेंज नहीं होता है, तो ये जो फिफ्थ बैच आ रहा है इसके बाद कार्डिकुलम अपडेट हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ कोर्सेज के सिलेबस बढ़ाया गया है, कोर्सेज में कुछ चेंजेस हुआ है, और तब प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी इंक्रीज होने वाला है, पर ये फिफ्थ बैच जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके ये समझा मैं। तो हाँ क्योंकि बॉम्बे में क्या है, आईआईटी बॉम्बे में स्टैट्स से करा तो वहाँ क्या है, दो कोर्स ले लो या फिर प्रोजेक्ट ले लो, कई बार ऐसा होता है दो कोर्स के इक्विवेलेंट एक प्रोजेक्ट रहते हैं। तो ओके तो ये तो हो गया चलो कोर्सेज का कि मैथ्स वालों को भी स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा, स्टैट्स वालों को मैथ, ऑब्वियसली कोर्स का नाम ही है एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों का इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन है। अब थोड़ा प्लेसमेंट का बताओ कि प्लेसमेंट का कैसा सीन है वहाँ पे? प्लेसमेंट तो सर हर बैच के साथ इम्प्रूव हो रहा है, मतलब फर्स्ट बैच में ही हम लोगों का जो फर्स्ट बैच निकला था 2019 वाला उसमें ही 35 लाख पर एनम का पैकेज लग गया था, उसके बाद हमारे सीनियर्स के बैच में भी अच्छा खासा, हमारे बैच का अभी तक बेस्ट हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट का है जिसका एक्सचेंजर जापान में हुआ है 76 लाख पर एनम येन में, और तीन स्टूडेंट है आईसीआईसीआई बैंक में जिनका 16.5 लाख के आसपास पैकेज बना है, और बाकी दो तीन हुआ है एलएन में 10 लाख पर एनम, और ऐसे ही है टोटल 8-7 स्टूडेंट अप्लाई किया था प्लेसमेंट में, मोस्टली सबका ही हो गया है, एक या दो शायद नहीं हुआ।
हाँ मतलब जो मोस्टली लोग सबका ही इंटरेस्टेड, सही हाँ जो लोग इंटरेस्टेड उनका रहता हो ही है। जाता है, कोई ना कोई कंपनी खड़ी ले लेती है। पर बात ऐसे है कि मतलब एमएससी मैथमेटिक्स में अभी तक सब आईआईटीज में ये बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी का ज्यादातर अच्छा रहता है एमएससी मैथमेटिक्स में प्लेसमेंट, पर आईआईटी गुवाहाटी का भी इतना हाई पैकेज नहीं गया था जितना हमारे आईआईटीज में गया, तो इस बार इस वजह से बहुत स्टूडेंट आने वाले हैं, मतलब यस ये आई सुन के टी बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, जो काफी डिमांडेड कोर्स है, एमएससी हाँ जैम डिमांडेड है मैथमेटिक्स पर कहते हैं। लेकिन तिरुपति में इस बार इतना अच्छा प्लेसमेंट, 76 लाख का एक्सेंचर जापान में होना, या आईसीआईसी में है या एलएन में है, तो अच्छा प्लेसमेंट है मतलब तिरुपति का भी। और हम बस थर्ड बैच है तो, और नया आईआईटी में तो ये बहुत ही इम्प्रूव करने वाला है, धीरे एक्चुअली धीरे कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए कंपनीज भी अट्रैक्टेड हो रहा है इस कोर्स की तरफ। यस एक सबसे रीजन ये भी है कि हर जगह, जहाँ जहाँ कुछ जगह सिर्फ स्टैट पढ़ाए जा रहे हैं या कुछ जगह सिर्फ मैथ पढ़ाए जा रहे हैं, एमएससी मैथ, यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन है दोनों कोर्सेज का। तो ये है, कहते हैं मिनिमम कितना पैकेज गया था, ये शिवम पूछ रहे हैं। तो मिनिमम शायद हम लोगों का 8 लाख पैकेज गया था, जो बायजूस में सिलेक्शन हुआ था उनका 8 लाख का पैकेज गया था मिनिमम। तो बाइजूस, एलएन, आईसीआईसीआई, एक्सेंचर, ये सब कंपनीज में जिसमें प्लेसमेंट हुई है अभी इसके थ्रू। ये बस मैथ्स डिपार्टमेंट का है, बाकी तो पूरे आईटी में अच्छे अच्छे कंपनीज तो आती है, गूगल वगैरह भी आता है, अमेजन भी से रिक्रूट। यस तो मतलब ये अभी एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो कोर्स है उसकी बात, उसमें वो है। हाँ आईआईटी गुवाहाटी में भी ये कोर्स है क्या? आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है ना, जहाँ पे एग्जाम मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन होता है। लेकिन वहाँ भी प्लेसमेंट अच्छा है तो वो है। लेकिन तिरुपति में धीरे धीरे क्रेज बढ़ेगा, क्योंकि नया कोर्स है ना, लोगों को पता ना, धीरे धीरे पता चलेगा तो उसका क्रेज बढ़ेगा इस तरीके से है। और कोर्स कॉम्बिनेशन वैसा है कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है यहाँ भी, और फर्स्ट टाइम आईआईटी जाम स्टैट्स के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो जो लोग आईआईटी जाम स्टैट्स वाले हमारे बच्चे अभी मीटिंग में हैं या बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो जैसे आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे में दो कोर्स है, एमएससी स्टैट्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, कानपुर में एमएससी स्टैट्स है, भुवनेश्वर में है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस से रिलेटेड है, और एक आईआईटी तिरुपति इस बार ऐड हुआ है आईआईटी जाम स्टैट्स के थ्रू। तो आईआईटी तिरुपति में 5 सीट अभी है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़े या जैसे भी हो, इस बार 5 सीटें हैं। तो यहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो लोग कंसीडर कर सकते हैं आईआईटी तिरुपति को भी, आईआईटी जाम स्टैट्स वाले बच्चे भी, मैथ वाले बच्चे भी, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, आईआईटी तिरुपति और त्रिची में कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, आपको आइडिया है? अर्पण, एनआईटी त्रिची में क्या है, मैं बता थोड़ा सर सा। एनआईटी एक्चुअली हाँ ओल्ड एनआईटी है तो ओवरऑल उसमें ज्यादा कंपनीज आते हैं, ये बात सच है, क्योंकि ओल्ड ओल्ड इंस्टीट्यूट है तो सच उधर ज्यादा कंपनीज ऑब्वियसली आएंगे। अब कुछ तो फैसिलिटी आईआईटीज और एनआईटीज में डिफर करेगा ना, तो ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि किसको कौन सा प्रिफर करना है। पर हाँ अगर तुमको एकदम थोड़ा सा ओल्ड इंस्टीट्यूट चाहिए जो एस्टेब्लिश हो गया है और बहुत सारे कंपनीज का ऑप्शन चाहिए, तो आई थिंक एनआईटी शायद तुम्हारे लिए बेटर होगा आईआईटी तिरुपति से, क्योंकि उधर ज्यादा कंपनी आएगा आईआईटी तिरुपति से, ये बात पक्की बात हाँ थोड़ा कोर्स का भी है, एनआईटी त्रिची में कोर्स है एमएससी कंप्यूटर साइंस, जहाँ है। हाँ एग्जाम ये हाँ स्टैट्स के हाँ थ्रू एडमिशन होता है। फिर हाँ और ये तो तुम्हें हमारे, स्टैट मिलेगा, ये बात है। आप देख लो कुछ लोग टैग के पीछे भी भागते हैं, कि होता है कि आईआईटी से पढ़ाई, तो एक आईआईटी का टैग रहेगा, आईआईटी तिरुपति से पढ़ा है हमने, एक ये रहता है, और वहाँ एनआईटी है तो एनआईटी से पढ़े हो। लेकिन त्रिची और बहुत, आईआईटी वैसे एक काम भी आता है, मतलब बहुत बच्चों का बहुत काम आता है आईआईटी का टेक, काम भी आता है तो। वो थोड़ा सा हमारा स्ट्रीम लेवल भी, मतलब एक सेल्फ स्ट्रीम भी बढ़ता है, मुझे लगता है कि हम आईआईटी हाँ पढ़े हैं, तो एक वो रहता है, एक हाँ कॉन्फिडेंस भी रहता है लाइफ में, हमने उस लेवल के लोगों को भी देखे हैं आईआईटीज में, हमसे अच्छे लोग, काफी अच्छे लोगों को हम देखे हैं आईआईटीज में, तो उस तरह का लगता है कि वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, इस तरह से एक उस तरह का इन्वायरमेंट रहता है आईआईटी में। और बाकी टैग, यस टैग काफी हेल्प करता है। तो ये तो है। सर आपने अभी क्या बताया कि कौन कौन सा कॉलेज ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है जिसकी वजह से ज्यादा कंपनीज आती हैं, आईआईटी या फिर एनआईटी, मतलब देखो एनआईटी तिरुची? आईआईटी तिरुपति नया इंस्टीट्यूट है, तो कोई भी नया इंस्टीट्यूट में कंपनीज कम विजिट करते हैं, पर एनआईटी त्रिची बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत साल हो गया है, तो उधर ज्यादा कंपनीज ऑब्वियसली विजिट करेगा अच्छा एनआईटी अच्छा का। ओके मतलब अभी एस्टैब्लिश हो रहा है आईआईटी तिरुपति, और वो एनआईटी हम ऑलरेडी लोगों एस्टैब्लिश है। का
हम लोगों का बस फेस वन खत्म हुआ है, टोटल 3 फेस है हम लोग के इंस्टीट्यूट के मास्टर प्लान में, फेस वन बस खत्म हुआ है, तुम लोग जब आओगे तब शायद फेस टू स्टार्ट होगा। मतलब इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है तो 3 फेज में उनका डेवलपमेंट होगा, फर्स्ट फेज हो गया है, सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज में, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप किए जा रहे हैं ना वो है। तो देख लो जिसको जो NIT त्रिची और IIT तिरुपति में कंफ्यूज हैं, तो NIT त्रिची में बहुत सारी सीटें हैं, IIT तिरुपति में 5 ही हैं, लेकिन IIT का टैग चाहिए तो IIT तिरुपति आओ, अगर वैसे कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो NIT त्रिची है, अगर प्लेसमेंट वहाँ भी एक्चुअली मेरा ही स्टूडेंट था एक जिसका 52 लाख का प्लेसमेंट अमेजन में हुआ है, NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस वो भी है, और भी एक और लोगों का 72 लाख का वहाँ भी हुआ है शायद किसी कंपनी में, तो वहाँ भी है। और अब जैसे कि अभी सुना लोगों ने कि IIT तिरुपति में भी 76 बोला था 76 लाख CTC होगा हालांकि, सो 76 लाख का एक्सेंचर जापान में हुआ है प्लेसमेंट, तो लोग वहाँ भी कंसिडर कर सकते हो, मेहनत करोगे अगर उस तरह इंटरेस्ट होगा, मेन इंटरेस्ट भी होता है, जैसे हम लोग का भी प्लेसमेंट था नहीं ज्यादा जब मैं पढ़ रहा था बॉम्बे में, तो जिनका इंटरेस्ट होता है वो अप्लाई करते हैं फिर उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है किसी न किसी कंपनी में। सो ये रहा रिव्यू, और किसी को कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं, जो लोग मीटिंग में भी हैं चैट में या अनम्यूट करके, और बाकी और क्वेश्चन बच्चों को मेरे पास क्या आते हैं, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या करूं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी MSc कर रहे हैं तो NIT त्रिची जाऊं या IIT तिरुपति जाऊं या उस तरह से है, तो IIT तिरुपति में और क्या है बाकी MSc के बाद, अगर कोई बच्चा PhD करना चाहे वहां कोई स्कीम है MSc वालों के लिए PhD का, अगर 8 CGPA के ऊपर रखा तो तुम अपग्रेड कर सकते हो इधर PhD में कंटिन्यू करवा सकते हो, तो वो भी एक स्कीम रहता है। हाँ लेकिन ये भी अच्छा था, अब मतलब हमारे पास देखो अब बच्चों के पास कई सारे जैम स्टैट्स के थ्रू ऑप्शन हो गया है, MSc मैथ्स एंड स्टैट्स IIT तिरुपति जा सकते हो, MSc कंप्यूटर साइंस जा सकते हो, MSc स्टैट्स कर सकते हो, कुछ NITs हैं जो NIT दुर्गापुर, NIT मेघालय, ये सब MSc मैथमेटिक्स भी कराती है IIT जैम स्टैट्स के स्कोर पे, तो ये सब भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो मैं सेशन अभी अपन को इन्वाइट किया हूँ इसीलिए कि बच्चों का मेनली जो क्वेरी IIT तिरुपति को लेके है वो है, तो कोर्स का इन्होंने बता ही दिया कि मैथ्स के भी कोर्सेस हैं, स्टैट्स के भी कोर्सेस हैं, और प्लेसमेंट का भी अच्छा है, जिन लोगों ने अप्लाई किया ऑलमोस्ट सबका हो गया है प्लेसमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है IIT तिरुपति में, फर्स्ट फेज का हो गया है, अभी नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है सेकेंड फेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, तो नई IIT है फर्स्ट फेज में जो जो IITs को जरूरत है जैसे हॉस्टल्स वगैरह, फिर डिपार्टमेंटल बिल्डिंग, लेक्चरर कॉम्प्लेक्स सब रेडी है, सब ऑपरेशनल है। ओके, ये सब ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ओके, तो और उसमें क्या है कोर्सेस में बाकी प्रोफेसर्स लोग, कुछ तो मैं देखा हूँ कोर फैकल्टी 3-4 हैं जो इस बार और एक फैकल्टी ज्वाइन करने वाले हैं ISI से स्टेट्स में। अच्छा ओके, आज जैसे मैं ईसापतिक दास वहीं पे है ना, हाँ तो उनको मैं जानता हूँ क्योंकि वो बॉम्बे से MS, तो वो भी है एक कानपुर से इन्होंने कर रखा है PhD काम है, डॉक्टर अनन्या लहरी वो मेरे गाइड है एक्चुअली, डॉक्टर अनन्या लहरी और सुधीर सर दोनों ही मेरे गाइड है। अरे वाह, तो अनन्या एक्चुअली जो मैम है उनके लिए उनका शायद सुपरवाइजर वो देवाशीष कुंडू सर थे कानपुर में, तो मैं भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर में देवाशीष कुंडू सर को ज्वाइन करूँ एज ए पोस्ट डॉक अगले साल, तो इसलिए उनका प्रोफाइल देख रहा था, तो क्योंकि इनका एरिया देवाशीष कुंडू सर है या जो सुधीर सर है और मेरा एरिया है ये कॉमन ही है ऑलमोस्ट, तो मैं हो सकता है सुरेश कुमार जो कटुमंडल सर है उनके अंडर भी मैं पोस्ट डॉक ज्वाइन करूं, मतलब मेरा मन बाहर जाने का विदेश में जाने का ज्यादा है नहीं, तो मैं इंडिया में ही सोच रहा हूं ज्वाइन करूं, तो यही लोग थोड़े हैं IIT कानपुर है या ISI कोलकाता ISI चेन्नई है लोगों के अंदर ही करूंगा, तो वो मैं देख रहा था, तो सही है ऐसे मतलब सही है, तो ये दो फैकल्टी परमानेंट और स्टैट्स के एक और शायद परमानेंट है, 3 है नहीं और एक है जो मैथ्स की है पर वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोर्स लेते हैं, मैं भूल गया नाम क्या था, कोई बात तो खैर एक फैकल्टी है और एक नया ज्वाइन करने वाले है इस बार, नया फैकल्टी ज्वाइन करने वाले है। बाकी गेस्ट फैकल्टी बहुत अच्छे हैं ISI चेन्नई के हैं, IIT मद्रास से प्रोफेसर हैं वो लोग हैं, तो बताया अर्पण ऑलरेडी, तो कुछ लोग फैकल्टी को लेकर भी चिंतित रहते हैं कि लाइक कैसा फैकल्टी वहाँ पढ़ाते हैं, तो IIT में फैकल्टी ऐसे अच्छे ही होते हैं, रिसर्च अच्छा होता है इसलिए उनका जॉब वहाँ मिलता है, तो फैकल्टी खराब तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ गेस्ट फैकल्टी जो क्लास ले रहे हैं तो मतलब वो भी अच्छे हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं काफी दूसरे IITs के और ऑलरेडी जो है वो भी ठीक है, तो मतलब कोई बच्चा कंसिडर कर सकता है जो स्टैट्स वाला बच्चा है, अब क्या वो कर पाएगा क्वेश्चन ये होता है, बच्चा भी पूछता है सर क्या कर लेंगे हम वहाँ पे कि मैथ्स वाले बच्चे बहुत सारे आएंगे उनके कॉम्पेरिजन में,
तो क्या लगता है जो स्टैट्स वगैरह को अच्छा जा रहा है तो वहां नहीं, तुम लोगों का तो स्टैट्स है तो तुम स्टैट्स में भी इक्वली एफर्ट मार सकते हो। बस थोड़ा सा फर्स्ट ईयर तुम लोगों के लिए प्रेशर जाएगा क्योंकि मैथ्स के कोर्सेज तुम्हें थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बाकी तो सेकंड ईयर से तुम स्टैट्स की इलेक्टिव ले लो फिर तो तुम्हारे तुम्हारे प्लस पॉइंट है मैथ्स के बच्चों के। मतलब वही है क्योंकि ये तो, अगर कोई मतलब पीएचडी वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो ये तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि मैं भी अभी बहुत जगह पीएचडी इंटरव्यूज दे रहा हूँ, उधर भी बहुत मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टेट वाले बच्चे क्या करते हैं मैथ्स के बाद थोड़ा सा निगलेक्ट करते थे कि हमको स्टेट आता है ये ना है, पर मैथ्स भी पूछते हैं बहुत बहुत ज्यादा पूछते हैं मैथ्स स्टेट्स के इंटरव्यू में, जैसे तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। और जैसे आप टेस्ट देते हो कहीं पे इंटरव्यू से पहले टेस्ट होता है, टेस्ट में सिर्फ सॉल्टी तो आते नहीं, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी आता ही है तो मैथ भी आते हैं, तो ये चीजें भी हेल्प करेगा, तो मैथ पे भी ध्यान देना है बहुत हेल्प करेगा। हाँ, एक एडवांटेज मैं सही बताया कि जैसे मान लो कोई बच्चा सिर्फ एमएससी स्टैट्स में कर रहा है तो वहाँ मैथ्स के बहुत कम कोर्सेस रेयर भी रहते हैं, और यहाँ पे क्या मैथ्स और स्टैट्स दोनों के बैलेंस कोर्सेस हैं, तो फ्यूचर में तुम रिसर्च में जाओगे तो वहाँ या इंटरव्यू देना है या रिटन टेस्ट देना है इंटरव्यू के लिए पीएचडी के लिए, तो वहाँ हेल्प करेगा। यस, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हर चीज का एक बच्चा और क्वेरी पूछ रहा है चैट में, क्या एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख प्लस है? एवरेज मतलब क्या, सबका मिला के ऐड करके तो ज्यादा ही हो जाएगा, 15 लाख हो ही जाएगा है ना, क्योंकि अगर 76 लाख एक बच्चे का है, बाकी का 5 लाख है, हाँ कुछ बच्चों का है, कुछ का 10 है, कुछ का अगर 8 भी है, तो एवरेज 15 प्लस ही चला जाएगा। ये तो वो है, फिर भी आईआईटी का टैग लेना है तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आईआईटी मान लो बॉम्बे कानपुर नहीं मिला तुम्हें तो तीसरी आईआईटी तिरुपति ही है, भुवनेश्वर में वो एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, मतलब अगर कोर्स इस फील्ड में रहना चाहते हो तो स्टैट्स सुन लो, वरना वो दूसरे फील्ड में चले जाओगे साइंस के, वो उसमें आर्ट्स मतलब उस फील्ड में एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में। तो हाँ सर, वैसे तो सर भुवनेश्वर जाना नहीं है, पर सर उसकी जो कट ऑफ थी वो सारे सब्जेक्ट्स की लिए सेम है क्या ऐसा कुछ, क्योंकि सर वहाँ पे कट ऑफ तो एक ही थी सारे सब्जेक्ट के लिए? नहीं, वहाँ पे क्या है अब देखो कि प्रायोरिटीज फिक्स, जो लिस्ट आई थी उसमें एक ही कंप्लीट करो, कंप्लीट करो विशाल। सर मैं कह रहा था कि वहाँ पे बस इनोमिस सारी कट ऑफ हुई है, तो मतलब कौन से बेसिस पे होता है वहाँ पे? एक्चुअली क्या है, तुम अगर देखोगे तो आईआईटी भुवनेश्वर में चार, जैसे मान लो आईआईटी तिरुपति की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ दो कोर्स के थ्रू एडमिशन होगा, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स, आईआईटी एग्जाम स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही आईआईटी भुवनेश्वर में जो कोर्स है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एनवायरमेंटल साइंस, उसमें चार कोर्स के, यानी पांच कोर्स के थ्रू एडमिशन है शायद, जहां तक मुझे याद है मुझे, जियोलॉजी जियोलॉजी है, फिजिक्स है, फिर एक और कोई कोर्स आई थिंक बीच में, मैथमेटिक्स है, फिर स्टैटिस्टिक्स है, फिर केमिस्ट्री है आई थिंक, हाँ ये पांच कोर्स हैं। तो मैं ऑर्डर हो सकता है मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये पांच कोर्स हैं, तो उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है, आप ब्रोशर में जाकर देखो वेबसाइट पे, तो जो पहले जिसका नाम लिखा उस कोर्स के पहले उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा, उसके बाद सीट बचेगी तो नेक्स्ट कोर्स वालों को मिलेगा, सीट बचेगी तो नेक्स्ट वालों को मिलेगा, सीट बचेगी तो जो आप देख रहे हो वो उन कट ऑफ जो पहले कोर्स वालों के लिए है, जियोलॉजी जैम जियोलॉजी वालों के लिए है आई थिंक वो जो है। अभी स्टैट्स का टर्न ही नहीं आया, स्टैट्स का जब टर्न आएगा तो स्टैट्स वालों को एडमिशन देंगे, जब सीटें बचेंगी तब स्टैट्स वालों को मिलेगा, वहां ये सिस्टम है। तिरुपति में ऐसा नहीं है, तिरुपति में फिक्स कर रखा है कि 15 बच्चे मैथ के जाएंगे और 5 बच्चे स्टैट्स के जाएंगे, फिक्स कर रखा है जैम के थ्रू, वहां फिक्स नहीं किया उन लोगों ने, प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स किया कि इस कोर्स के बच्चे नहीं लेंगे एडमिशन तब इस कोर्स वालों को मिलेगा, इसके नहीं लेंगे तब उसको मिलेगा। तो स्टैट्स की बारी तब आएगी जब पहले तीन कोर्स, उससे पहले तीन चार कोर्स में उनके बच्चे नहीं एडमिशन लेंगे या नहीं मिलेगा, तब स्टैट्स वालों को मौका मिलेगा। ये है, ठीक है ना? यस, तो और किसी को कुछ क्वेरी रह गया आईआईटी तिरुपति से लेके या जाम स्टैटिस्टिक्स से लेके तो आप पूछ सकते हो, मैं या अर्पण आंसर कर पाएंगे। सर इस बार बॉम्बे ओआर में ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं अलॉट हुई फर्स्ट राउंड में? अलॉट नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, उसका रीजन ये होगा कि किसी बच्चों ने प्रेफरेंस दिया ही नहीं होगा, जैसे तुम अगर प्रेफरेंस भरोगे तभी तो एडमिशन मिलेगा, या जिन लोगों ने भरा होगा। अच्छा, आपने थर्ड प्रेफरेंस दिया था? यस सर। तो आपको कौन सा मिला, सेकंड या फर्स्ट मिला है या फोर्थ मिला है प्रेफरेंस? सर अभी कोई नहीं मिला है, 81 रैंक है। तो आप उस होंगे ना, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी वहां पे
मतलब मिला ही नहीं किसी को अभी वो कोर्स इस बार, वो कोर्स किसी को नहीं अलॉट हुआ है। वेबसाइट पर जो आई है फर्स्ट 79 रैंक है, 79 रैंक में तिरुपति मिला है, तिरुपति मिला है 79 रैंक पे। ओके तो 79 ना। तो क्यों नहीं मिला उसका रीजन मुझे लग रहा है कि या तो उन्होंने EWS का सीट नहीं, मैं अगर वेबसाइट चेक करके बताऊंगा, मैं श्योर तो नहीं बोल सकता अभी, वेबसाइट चेक करूंगा क्या है, क्योंकि अगर सीटें होंगी तो तुमसे पहले कोई बच्चा रैंक वाला होगा, उसने प्रेफरेंस दी होंगी तो उसको मिलेगा, अगर आपसे पहले कोई नहीं है तो आपको मिलेगा अगर सीट है तो, क्योंकि ऐसे ही काउंसलिंग चलती है वहाँ पे कि क्योंकि सीट ऐसा भी होता है क्या कि फर्स्ट राउंड में नहीं दिए हैं तो सेकंड राउंड में भी दे सकते हैं। यस, अपग्रेड कर सकता है आप, अगर अपने जो आपको मिला है अभी उसको अपग्रेड करोगे, मान लो आपको फोर्थ प्रेफरेंस वाला कोर्स मिला है तो अपग्रेड करोगे तो थर्ड सेकंड फर्स्ट जो भी आप उस राउंड के लिए सीटें खाली हैं और आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा। EWS PW को सीट दिया है सर इस बार। ओके PWD वालों, इनका तो फिक्स रहता है, PW वालों को फिक्स कर रखा होता है स्टार लगा के कि इतनी सीटें हैं। ओके तो EWS में PWD वालों को मिला है, ठीक है। सो ठीक है, तो अभी कुछ क्वेरीज और किसी को रह गई तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो मैं देखूंगा EWS का IIT बॉम्बे OR का क्या है, तो मैं एक बार चेक करके मैं बताऊंगा, टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे मुझे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। ओके सर, हाँ बाकी और ठीक है, तो ये मीटिंग का पर्पस मेरा ये था, एक बार अपडेट करवा देना कि IIT तिरुपति में क्या है, कोर्सेस कैसे हैं, एडमिशन कितने हैं, प्लेसमेंट का क्या सीन है, PhD के क्या रास्ते हैं, ये सब है, और प्रोफेसर कैसे हैं, तो ये सब हमने डिस्कस किया है इसमें, कौन कौन से प्रोफेसर हैं, मैथ्स का भी काफी आई थिंक, टोटल कितने प्रोफेसर है वहाँ पे, 10 प्रोफेसर, 10 फैकल्टी मतलब परमानेंट है, बाकी तो गेस्ट फैकल्टी और एक परमानेंट ज्वाइन करने वाले, तो 11 के आसपास, तो 11 परमानेंट फैकल्टी अभी हैं, जिनमें से 2 या 3 प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के हैं, है ना, बाकी मैथ्स के हैं, और गेस्ट फैकल्टी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं जो स्टैट्स के हैं। ओके okay. और एक्चुअली हम लोगों का और एक बात है, हम लोगों का आईजेड तिरुपति के साथ एमओयू है, एक्चुअली IIT तिरुपति के जहाँ पे कैंपस खत्म होता है उधर से आईजेड तिरुपति का कैंपस चालू होता है, तो हम लोगों के स्टूडेंट आईजेड तिरुपति के कोर्सेज भी ले सकते हैं और आईजेड तिरुपति का IIT तिरुपति के कोर्सेज। अच्छा, ओके okay. तो ये ऑप्शन है तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो आईजेड तिरुपति और IIT तिरुपति का कैंपस मतलब कनेक्टेड है, तो वो कोई बच्चा आइजर तिरुपति के भी कोर्स ले सकता है। ओके ठीक है, तो बीच में एक वो भी कर सकते हैं कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और कुछ बताओ, तुम बताना चाहो तिरुपति से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, एक्सपीरियंस रहा 2 साल का बताओ, 2 साल में जब तुम आए फर्स्ट ईयर में, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, BSc मैथमेटिक्स का है राइट, हाँ जैम मैथमेटिक्स से एडमिशन लिए थे, तो मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि अगर IIT तिरुपति दे ही रहा है MSc थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी होगा, तो इधर आके एक्सप्लोर किया तो स्टैट में इंटरेस्ट बढ़ा, तो सोचा अभी PhD करूंगा स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, क्योंकि PhD के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टैट्स में, तो ये है कि मेरा एक्चुअली प्लेसमेंट में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं एक्चुअली, मैं भी सेम ही था, मैं भी बहुत ज्यादा MSc प्लेसमेंट इंटरेस्ट दिखाया नहीं, मैं PhD में था सीधा, वैसे होता है, तो इस तरह के लोग IIT में होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ना प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है वही अप्लाई करते हैं, तो बच्चों को बता रहा हूँ मैं, वैसे है उनका हो ही जाता है, बहुत सारी कंपनी जाती है, तो उस तरह तुम्हें थोड़ा सा रहेगा चीजें तो ले लेंगे कंपनी, वो लेने के लिए आए हैं। हाँ यस, कि उनको जरूरत है एक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की, सब जो उनको एक डिजायर है उस तरह कैंडिडेट आपको, जिस तरह के कैंडिडेट की जरूरत है तो आपका हो जाएगा। ओके सो और कुछ क्वेरीज किसी को रह गई हो IIT तिरुपति या MSc मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कोर्स से रिलेटेड या जैम से रिलेटेड, सो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज सब एंड करेंगे मीटिंग। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू अर्पण आपको टाइम देने के लिए बच्चों को बहुत हेल्प हो जाएगा इससे, एक बार एटलीस्ट आइडिया मिल गया तो मुझे परेशान नहीं करेंगे सर कैसा कोर्स क्या है, कुछ बहुत सारा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू भैया, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, या थैंक यू सर, आपको मैसेज कर दूंगा, वो ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा ग्रुप पे, ठीक है मैं देखता हूँ, मैं अभी चेक नहीं किया, मतलब मैसेज कहाँ किया, हाँ मुझे करना, मैं जब ऐड करता हूँ, ठीक है yes, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अर्पण, मिलते हैं फिर, थैंक यू बाय।